अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों को मेरी स्टाफ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चले चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी की जॉब्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सीट्स हैं और यहाँ पर क्वालिफिकेशन मिडिल से लेकर बीएससी तक, मतलब बीए बीएससी तक के तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी कुछ डिटेल यूँ हैं कि सबसे पहले सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, इसका स्केल 7वां है, इसकी 8 पोस्टें हैं और 8 मतलब सीटें हैं और 2 मेरिट पर हैं, 4 पंजाब की, 1 सिंध की और 1 केपी की। यहाँ पर अप्लाई करने वालों की एज 30 साल तक है और मैट्रिक सेकेंड क्लास मतलब कि जिनकी डिग्री सेकेंड डिवीज़न होगी मैट्रिक में वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह सेकेंड है ड्राइवर, इसका स्केल 5वां है, 3 पोस्ट हैं और तीनों मेरिट पर हैं। उसके अलावा अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 30 साल है, मिडिल पास और साथ लाइसेंस LTV होना ज़रूरी है। DMO 5वां स्केल है, 3 पोस्ट हैं और 30 साल तक के तमाम उम्र रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में DMO में। उसके अलावा चौथा है वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन, इसका स्केल 4वां है, 3 पोस्टें हैं और 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल होना ज़रूरी है और वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ट्यूबवेल ऑपरेटर है, इसका स्केल 4वां है, 5 सीटें हैं और एज तकरीबन सभी के लिए 30 साल है। मिडिल और विद डिप्लोमा, यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर है, इसका भी डिप्लोमा होना ज़रूरी है और सेम क्वालिफिकेशन है मिडिल और सीटें इसकी हैं, सीट सिर्फ एक है इसमें। मैसन है, उसमें एक सीट है। कारपेंटर है, उसमें मिडिल पास ओनली, डिप्लोमा कोई नहीं है इसमें। लैब पास है, 39 सीट्स हैं और मिडिल पास है। तो तमाम दोस्तों को यहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा जो मैट्रिक रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर काफ़ी सीट्स हैं तो आप इसमें अप्लाई करें। हेल्पर दोस्त के हैं, इसका स्केल 2रा है और हेल्पर है और प्रेफरली यहाँ पर लिटरेट बस पढ़ा लिखा होना चाहिए। माली है, उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड में 58 पोस्ट हैं और लिटरेट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने कंप्यूटर शॉप पर या आपके पास कोई अवेलेबिलिटी है इसकी प्रिंटर की, तो आपने ये वेबसाइट www.fgeha.gov.pk के विज़िट कर लेना है। यहाँ पर आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। फीस सबमिट करवाने के बाद इधर से इसी वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपने 15 दिनों के अंदर अंदर जो नीचे पता लिखा हुआ है डायरेक्टर चेयरमैन रिक्वायरमेंट कमेटी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी, इस पते पर आपने उस एप्लीकेशन को भेज देना है। तो अभी तक ये तो थी मैट्रिक मिडिल लेवल की, अब चलते हैं जी बैचलर डिग्री वालों की तरफ। तो सबसे पहले सुपरवाइज़र किया है, इसका स्केल 16वां है, 1 पोस्ट है इसकी और 35 तक के तमाम उम्र रखने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ड्रोन कैमरा सर्वेयर, इसमें 1 पोस्ट है और सेकंड क्लास विद बैचलर डिग्री और एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। इंस्पेक्टर रेवेन्यू, इसका स्केल 16वां है, यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, 2 पंजाब की, 2 मेरिट पर, सेकंड क्लास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसमें, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, इसमें स्केल 16वां है और 3 पोस्ट हैं, 2 पंजाब की और 1 मेरिट पर, और DAE सिविल होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल वाला। असिस्टेंट 15वां स्केल है, 2 पंजाब की, 3 मेरिट पर, 1 सिंध की, 1 केपी की, 1 बलोचिस्तान, सेकंड क्लास डिग्री बैचलर होनी चाहिए और MS ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए। आगे है स्टेनो टाइपिस्ट, ये टाइपिंग होना ज़रूरी है, बंदे की टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है और बैचलर डिग्री के तमाम अप्लाई कर सकते हैं। 16वां स्केल, यहाँ पर 16 पोस्ट हैं इसकी और 9 पंजाब की हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हैं तो आप अप्लाई करें। कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल टेक्नीशियन, इसका स्केल 14वां है, FSC प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए और इसकी सीट टोटल 4 हैं और 30 साल तक की एज के तमाम बंदे अप्लाई कर सकते हैं। सब इंजीनियर सिविल या EMBS 14, इसकी 11 पोस्ट हैं, 5 पंजाब की, बाकी सब बाकी डिवीजन में। तो 30 साल और डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है जी सुपरवाइज़र मेंटेनेंस, ये सेकंड डिग्री बैचलर होनी चाहिए और कंप्यूटर वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, 2 पोस्टें हैं। आगे डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 17 पोस्टें हैं और 9 जो हैं वो पंजाब की हैं, बाकी 2 मेरिट पर, 2 सिंध के लिए। इसमें बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है और मिनिमम स्पीड 10,000 की डिप्रेशन पर आवर के
एक घंटे में 10,000 आपने वर्ड्स टाइप करने हैं। आगे है जी UDC अपर डिवीजन क्लर्क, ये क्लर्क की है और क्लर्क की 23 पोस्टें हैं और इंटरमीडिएट इसमें चाहिए कोई एक्सपीरियंस नहीं, 10 पंजाब की हैं। जूनियर ड्राफ्ट्समैन ये 11वां स्केल है, 2 पोस्टें हैं और मैट्रिक विद डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलीटेक्निकल डिप्लोमा किसी पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशन से। SR सर्वेयर ये भी एक पोस्ट है, इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा होना चाहिए, सर्वेयर का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर सर्वेयर है और इसका स्केल 9वां है, इसमें 7 पोस्टें हैं, इसमें भी डिप्लोमा ज़रूरी है। LDC इसमें बस आपकी स्पीड सही होनी चाहिए और मैट्रिक सेकंड क्लास, मतलब कि सेकंड डिवीजन मैट्रिक में हो तो तभी चलेगा। तो इसकी 53 पोस्टें हैं, 53 पोस्टें हैं, 26 पंजाब की, एक उसमें कोटा है कुछ मिनोरिटीज़ का। आगे 5 मेरिट पर हैं और 10 सिंध पर और 6 KPK, 5 बलोचिस्तान और 1 GB के लिए। तो अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अस्करी बैंक में आपने ये फ़ी सबमिट करवा देनी है और एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट से डाउनलोड करके ये जो नीचे नज़र आ रहा है इस एड्रेस पर आपने भेज देना है इस एड्रेस पर। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जॉब्स की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।